वांटेड और राउडी राठौड़ की सुपर सक्सेस के बाद प्रभुदेवा लेकर आ रहे हैं फिल्म रवैया वस्तावैया, जिसमें लीड रोल में है टिप्स कंपनी के मालिक कुमार तौरानी के बेटे गिरीश कुमार और श्रुति हसन। और प्रभुदेवा की माने तो इस फिल्म की प्लानिंग उन्होंने वांटेड के दौरान ही कर ली थी। This was planned when I wanted to release, so yeah, after wanted to release like 2-3 months something like that, after that. लेकिन जहां प्रभुदेवा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं गिरीश के मेंटर भी हैं वो। जी आई मीन एज अ मेंटर ही इज डन इट ऑल यू नो मतलब ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल ऑन सेट्स एंड एवरीथिंग लाइक यार ही गाइडेड मी थ्रू एवरीथिंग इज माय फर्स्ट फिल्म एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम। पर श्रुति और गिरीश को लीड रोल में कास्ट करने के लिए क्या कोई खास वजह थी? गिरीश तो रियली माय कुमार जी प्रोड्यूसर सर एंड बट ओनली वन थिंग आई टोल्ड ओके सर यू कैन सन कैन डू इट बट आई हैव टू ऑडिशन इट आई टोल्ड इफ आई ओके देन ओनली आई विल स्टार्ट आई टोल्ड इट विल ओके प्रभु जी इट ओल्ड देन वी डिड वन डे शेड्यूल देन इमीडिएटली आई टोल्ड ओके then he has went to start so after one year we'll start we'll again give him so we didn't actually correct as a producer sir because I don't know Girish at all he only told him. But just like that we didn't do the film I told him. After one year he little bit training over here and then only we started Shruti because we need a established actress that's why main Girish ne is film mein nibhaye gaye apne kirdar ke bare mein bhi jankari di जी मेरे किरदार का नाम राम है सो रमैया वस्तावैया मतलब राम का उसका मतलब है कि राम विल यू कम सो मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही चुलबुला सा मस्तीखोर और बदमाश सा लड़का है सब जगह घूमता है बहुत एनर्जेटिक है एक्सट्रोवर्ट है और जैसे लाइक लाइफ होती है ना लाइक अगर पार्टी में तो एक जो बंदा है जो सबको नचा रहा है घुमा रहा है तो वो राम है और जैसे है कहते हुए भी ये बहुत ही एक बेइंतहा प्यार करता है अगर प्यार करता है किसी से और वेरी लॉयल है और किसी भी हद तक जा सकता है तो ये फिल्म में राम अब्रॉड से आता है और एक उसको एक लड़की से प्यार होता है और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जिसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है अपना प्यार पाने के लिए और कैसे वो सब होता है दैट्स द स्टोरी ऑफ रमैया वस्तावैया। लेकिन इस फिल्म की यूएसपी आखिर क्या है? सो मेनी पीपल्स हार्ड वर्क इज देयर एक्चुअली या बिकॉज़ वी रियली वर्कड हार्ड इट वाज वेरी यू विल फील वेरी प्लेजेंट टू सी But behind, name it anybody, music director, me, producer also, he also spent this movie, what he has to spend, more than the triple time. But we need it for the film, this film needs, but what I'm telling like that, cameraman, writer, anybody, name it, everybody worked hard. Hard work is there. And also, it's very entertaining film only. People must see the film. And that it's very entertaining film. It's a commercial mass masala film with the romance mode. So I love people must accept it and wish him best of luck. पर प्रभुदेवा इससे पहले एक्शन फिल्म्स बना चुके हैं और ये एक रोमांटिक फिल्म है तो दोनों में से किसे बनाना ज्यादा चैलेंजिंग रहा? To do a action film also it's a challenge. To do a romantic film also it's a challenge. So whatever, no, both are very challenging because whatever in the paper, if you have to bring it in the screen, it's very tough. वही फिल्म के म्यूजिक को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जिसे लेकर गिरीश काफी खुश हैं। जी आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट ऑडियंस इज लाइकिंग दैट हमने बहुत ही मेहनत से आई मीन सचिन जिगर एंड प्रिया हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द एल्बम एंड They've done a tremendous job and I'm just very happy on the set. लेकिन न्यूकमर को लेकर फिल्म बनाने में क्या किसी तरह की टेंशन होती है? When I take a film, before that we have to think. Before we will think 10 to 100 times. After taking, no thinking. We have to proceed. No, that's the way. Like it only same thing. This story needs a newcomer. It's good for the story. It's perfect. वही फिल्म से जुड़ा एक खास इंसिडेंट भी गिरीश ने शेयर किया।
वेल ऐसे तो मेरे तो हर दिन ही एकदम स्पेशल था, लेकिन एक इंसिडेंट था कि आई हैड टू मिल्क अ काओ एंड अभी सर ने बोला करो, तो अभी नॉर्मली तो नोबडी नोस हाउ टू मिल्क अ काओ. मैंने बोला सर ये गाय का भरोसा नहीं है आप यार, मैं कर लेता हूँ जो मुझसे होता है, आप खाली कर लेना. एंड आई एम जस्ट हैप्पी व्हेन आई सी द शॉट दैट पीपल आर लाइकिंग दैट, पीपल हैव टोल्ड मी लाइक ऐसा लाइक मिल्किंग अ काओ लाइक अ रॉक स्टार. तो बहुत ही इट वाज जस्ट टू मच फन. सिर्फ यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में वो किसे अपना आइडल मानते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया. आइडल मतलब आई कैन से दैट आई एम इंस्पायर्ड बाय ऋतिक एंड सलमान खान एंड आई थिंक दे आर जस्ट वंडरफुल एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स. उम्मीद है अपने आइडल्स की तरह गिरीश भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हो. विद ब्यूरो इनपुट्स निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.